अतिथि शिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश भर के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जायज मांग जैसे वेतन वृद्धि नियमितीकरण को लेकर लगातार राजधानी भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार 21 फरवरी को अतिथि शिक्षक महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हजारों अतिथि शिक्षकों को विद्यालय न जाकर कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर पन्ना जिला एवं पवई विकासखंड के समस्त संकुल अंतर्गत आने वाले शासकीय विद्यालयों के अतिथि शिक्षक कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से विद्यालयों में पाठन पठन का कार्य प्रभावित रहा। बता दें कि इन दिनों प्रैक्टिकल परीक्षाओं का दौर भी चल रहा है, साथ ही आगामी 1 मार्च से माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो रही है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के द्वारा हड़ताल पर जाने से छात्रों को पठन पाठन में समस्याओं का सामना करना पड़ा। शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य केशव प्रसाद पाल ने जानकारी देते हुए अतिथि शिक्षकों की जायज मांगों का भी समर्थन किया। कार्य बहिष्कार पर है, क्योंकि शासन द्वारा उनको उनके अनुसार शासन द्वारा बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है। लगभग अतिथि शिक्षा के वर्ग 3 को 5,000 के आसपास और अतिथि शिक्षक वर्ग 2 को 7,000 के आसपास, अतिथि शिक्षक वर्ग 1 को 9,000 के आसपास, और साथ ही हमारा जो विद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चल रहा है, और जब से विद्यालय शासकीय मॉडल स्कूल कोई खुला है तब से अतिथि शिक्षकों के ही बदौलत ये विद्यालय उन्नति कर रहा है और बहुत अच्छे हमारे अतिथि शिक्षकगण पढ़ाते हैं बच्चों को और बहुत उन्नति पर हमारे बच्चों को ले जाते हैं। और आज चूँकि सामूहिक हड़ताल पर है, उनकी संभवतः प्रांत स्तर पर आज उन्होंने शालाओं में जाने से बहिष्कार किया है, हड़ताल पर है, तो मेरा यही शासन प्रशासन से की ओर एक आग्रह है या निवेदन है कि हमारा विद्यालय इनके कार्य अभाव में प्रभावित हो रहा है और प्रभावित हुआ है आज, और आशा करता हूँ कि शासन की मंशा को सुनेगा, क्योंकि हम सभी लोग एक अभिन्न अंग हैं, चाहे निवृत्त शिक्षक हों चाहे अतिथि शिक्षक हों। मैं बिल्कुल उनके एक समर्थन में अपना वक्तव्य थोड़ा सा अपनी वाणी को आगे रख रहा हूँ कि शासन प्रशासन की मंशा को इनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और उनको अपना जो भी जैसा बने तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए शासन प्रशासन कार्य करे, यही मेरा निवेदन शासन प्रशासन की ओर है। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।